आज हम 32 साइज की पोर्टक्स ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रंट में राउंड नेक बनाएंगे और बैक में मटका नेक बनाएंगे, तो ये बताएंगे और साथ में स्लीव्स की भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये साड़ी का ब्लाउज पीस है, इसी का ब्लाउज बनाएंगे। तो ये देखिए ऑर्गेंजा साड़ी का ब्लाउज है और ये लाइनिंग का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम कटिंग लाइनिंग के कपड़े पर करेंगे। तो ये देखिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, फोल्डेड साइड अपने तरफ रखेंगे और कमर का माप ले लेंगे। तो कमर ऐसे 32 रेडी चाहिए, लेकिन हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना है 2 इंच, तो 34 का माप ले लेंगे और इसका लेंथ ले लेंगे, लेंथ 5.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद मार्क कर लेंगे। अब हम नेक की चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे और शोल्डर 5.5 इंच ले लेंगे। नेक का जो लेंथ है वो 6 इंच ले लेंगे फ्रंट में, और चौड़ाई वही सेम रहेगी 2.5 इंच। उसके बाद आर्म होल ले लेंगे, तो आर्म होल भी यहाँ पे हम 5.5 इंच ले लेंगे। और उसके बाद अब चेस्ट कर लेंगे। तो चेस्ट 38 रेडी चाहिए, उसका चौथा भाग ले लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया 11 इंच पे मार्क कर देंगे। और 1 इंच इसकी गुलाई दे देंगे। तब जो मार्क किए हुए थे उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, चेस्ट और जो कमर का मार्क किया हुआ था। उसके बाद नेक में राउंड नेक दे देंगे। अब टक्स पॉइंट दे देंगे, तो पहला जो टक्स पॉइंट है वो 3 पॉइंट पर लगाएंगे और उसके बाद 2.5 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। अब दूसरा टक्स पॉइंट ले लेंगे 4.5 इंच पे और इसका लेंथ भी 4.5 इंच ले लेंगे। अब दूसरा वाला जो टक्स लगाया है वहाँ से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और उस साइड से ले लेंगे 3 इंच पर मार्क कर देंगे। उसके बाद एक तिरछा लाइन खींच देंगे पॉइंट मिलाते हुए। तो ये देखिए ये तीसरा टक्स का पॉइंट लग गया। अब चौथा टक्स ले लेंगे, तो ये 2.5 इंच पे यहाँ से आर्म होल के पास से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह चारों टक्स का पॉइंट लग गया है। तो ये देखिए अब थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि ये साफ साफ अच्छे से दिखे और दूसरे साइड भी चौक का निशान हो जाए, तो टक्स पॉइंट लगाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए ये कटिंग कर लेंगे। अब नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको दूसरे साइड उलट देंगे और जो टक्स का मार्क बना हुआ है ठीक उसी मार्क के ऊपर इधर भी लाइन खींच देंगे ताकि फिर से मापना ना पड़े और एकदम सेम जगह पे ही टक्स लगे। अब इसको बीच से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लेंथ 15 इंच ले लेंगे। वहाँ फ्रंट में 15.5 लिए थे, यहाँ थोड़ा मतलब 1/2 इंच यहाँ पे कम ले लेंगे। तब आप देखिएगा एकदम परफेक्ट रेडी होता है। अब हम शोल्डर 5.5 इंच जैसे उसमें था वैसे ही ले लेंगे और आर्म होल भी सेम ले लेंगे 5.5 इंच। और बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई है वो दे देंगे 1.5 इंच। तो ये देखिए 11 पे पहले मार्क कर लेंगे और उसके बाद लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे 1.5 इंच पे। तो फ्रंट पार्ट में हमेशा 1 इंच और बैक पार्ट में 1.5 इंच पे। अब देखिए ये 9.5 इंच नेक का लेंथ ले लेंगे और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे। तो ये देखिए पहले हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम मटका नेक की कटिंग करेंगे जिसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इसका शेप बना देंगे मटका नेक का और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी बैक साइड में टक्स पॉइंट 4.5 इंच पे दे देंगे और इसकी लेंथ भी 4.5 इंच ले लेंगे।
तो इसी तरह दूसरे साइड भी इस तरह मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो कपड़ा बराबर नहीं था तो पहले हम कपड़ा को बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए 5.5 इंच हमको 5 इंच रेडी करना है, तो 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद 2.2 इंच पे और फिर 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे और फिर स्लीव्स का शेप दे देंगे और फिर उसके बाद कटिंग कर लेंगे। और थोड़ा सा गहराई दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम क्रॉस बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो कमर का माप था 11 इंच वो 11 इंच ले लेंगे और 4 इंच पे मार्क कर देंगे। क्रॉस बेल्ट हम 4 इंच का बनाएंगे और दूसरे साइड से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद एक तिरछा लाइन खींच देंगे और फिर शेप दे देंगे क्रॉस बेल्ट का। तो ये देखिए इस तरह शेप दे देंगे। अब मेन कपड़ा पे कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे और सबसे पहले स्लीव्स निकाल लेंगे क्योंकि स्लीव्स बॉर्डर जो है वो स्लीव्स में देनी है। तो ये देखिए इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आप देख रहे होंगे हर कपड़ा में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हैं ताकि जब इसकी सिलाई करें ना थोड़ा भी इधर उधर ना हो। इसके लिए हमेशा थोड़ा सा बड़ा लीजिए। परफेक्ट नाप लाइनिंग के कपड़े का होना चाहिए। अब इसको बीच से कट कर देंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब क्रॉस बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे और 2 क्रॉस बेल्ट चाहिए तो 2 बना लेंगे। तो ये देखिए बीच से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह क्रॉस बेल्ट भी रेडी हो गया है। अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी की कटिंग करेंगे। तो 3.5 इंच का ले लेंगे, इसी तरह लगभग 2 इंच का ले लेंगे काज पट्टी बटन पट्टी के लिए। तो इस तरह इसकी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये कपड़ा को ऐसे डालेंगे और उसके बाद चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करते वक्त एकदम ध्यान से सिलाई करना है कि थोड़ा भी सिकुड़े नहीं, नहीं तो फिर इसका जो फिटिंग है वो अच्छा नहीं बैठेगा। तो सिलाई करते जाएंगे और हल्के हाथे से इसको ठीक से सेट करते जाएंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के हटा देंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट दोनों रेडी कर लेंगे और उसके बाद ये देखिए बैक पार्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेक पे सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें बॉर्डर रहता कमर में तो फिर बॉर्डर से सिलाई स्टार्ट करना पड़ता। तो नेक से सिलाई स्टार्ट करने से इसका जो सिलाई है वो थोड़ा भी सिकुड़ता नहीं है और एकदम अच्छे से बैठ जाता है। तो इस तरह हल्के हाथों से इसको सीधा करते जाएंगे और फिर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इसमें चारों तरफ सिलाई लग गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हम उसको काट के हटा देंगे।
ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब जो हम टक्स का पॉइंट बनाए हुए थे, जो मार्क किया हुआ था, सेम उसी लाइन पे टक्स बना लेंगे। इसी तरह दूसरा टक्स भी लगा देंगे। तो हम यहाँ कमर पे पाइपिंग लगाएंगे, तो उसके लिए गोल्डन कपड़ा ले लेंगे और एक जो डोरी होती है पाइपिंग की वो ले लेंगे। और ये देखिए डोरी रेडी कर लेंगे। तो इसमें गोल्डन कलर का प्रिंट है, इसीलिए हम गोल्डन कलर का पाइपिंग लगा देंगे। तो आपको अगर कोई और कलर का लगाना है तो आप इसी तरह पाइपिंग बना लीजिए, फिर लगा दीजिए। तो ये देखिए पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके माप से इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद सीधा वाला जो पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे और ठीक जिधर डोरी लगा है वहाँ पे एकदम साइड में सिलाई करेंगे, ताकि जो पाइपिंग है वो अच्छे से बैठ जाए। अब इसको उल्टा की तरफ मोड़ देंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह इसमें पाइपिंग लग गया और कितना अच्छा फिनिशिंग बैठा है। तो अब हम फ्रंट पार्ट रेडी कर लेंगे, बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब जैसे जैसे मार्क किया हुआ है ठीक उसके ऊपर हम टक्स लगा देंगे। टक्स का कटिंग के टाइम मार्क करने से अभी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट सिलाई हो जाता है। तो आप इस ट्रिक को अपनाइए, सिलाई बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो एक एक टक्स को मापने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह ये रेडी हुआ है। अब हम इसमें क्रॉस बेल्ट अटैच करेंगे। तो क्रॉस बेल्ट अटैच करने के लिए देखिए सारे 3 इंच और 3 इंच ले लेंगे। उस टाइम 4.5 और 4 इंच था, तो यहाँ पे 1/2 इंच हम कम लेंगे, क्योंकि ये जो क्रॉस बेल्ट कटिंग किया हुआ है जब हम इस तरह फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखिए इसको सीधा करके देख लेंगे कि ये चारों तरफ से बराबर है या नहीं, और जब बराबर होगा तो ये देखिए इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर से इसको निकाल देंगे, निकालते ही ये सीधा हो जाएगा देखिए। उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे ताकि इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से बैठ जाए। हम नीचे से भी सिलाई लगा देंगे। तो इसमें क्रॉस बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए जो 2 इंच का कपड़ा था उसको डबल फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे और नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। अब इसको इस तरह सीधा करके उसके बाद एक सिलाई और लगा देंगे और उसके बाद इसको नी उल्टा साइड में इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो काज पट्टी रेडी हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा है उसको काट के हटा देंगे। तो चलिए काज पट्टी तो रेडी हो गई है, अब हम दूसरा रेडी करते हैं। तो सेम जैसे उसमें मार्क किया हुआ था ठीक वैसे ही उस मार्क के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे ताकि चारों टक्स अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए इसमें भी चारों टक्स बन गया है। अब सेम क्रॉस बेल्ट वैसे ही अटैच करेंगे 3.5 इंच और 3 इंच पे
मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो क्रॉस वेल्ड कटिंग किया हुआ है उसको इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद जिस तरह लाइन खींचा हुआ है ठीक वैसे ही इस पर डाल के मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, देखिए इस तरह, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और इसको सीधा करके देख लेंगे और जब ये परफेक्ट होगा तो इस तरह फिर से फोल्ड कर देंगे और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसको सीधा कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और नीचे भी सेम सिलाई लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। तो ये देखिए इसमें भी क्रॉस बेल्ट अटैच हो गया। अब यहाँ पे हम काज पट्टी बनाएंगे, तो काज पट्टी बनाने के लिए इसको उल्टा की तरफ से अटैच करेंगे। तो देखिए उल्टा इधर रखेंगे और जो सीधा वाला ब्लाउज का कपड़ा है उसको इस तरह रखेंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे मोड़ देंगे। तो ये देखिए इस ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें था उसको काट के हटा देंगे। इसके बाद इसको सीधा कर देंगे इस तरह और उसके बाद इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे और इसी सिलाई को इस तरह घुमा लेंगे और फिर इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए अब सीधा कर लेंगे और इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे और उसके बाद सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरह ये काज पट्टी बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए अब जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा या टेढ़ा लग रहा है उसको इस तरह सीधा कर लेंगे और बटन पट्टी के ऊपर इस तरह डाल देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा है उस पर मार्क कर देंगे, ये देखिए इस तरह। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और अब कपड़ा जो कटिंग है एक्स्ट्रा उसको काट के हटा देंगे। तो आप डायरेक्ट कटिंग कर देंगे तो फिर कपड़ा सिकुड़ जाएगा और वो अच्छे से नहीं बैठेगा। तो आप इस तरह कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम बैक और फ्रंट दोनों का शोल्डर अटैच कर देंगे और फिर साइड से भी इसको अटैच कर देंगे, ये देखिए इस तरह, और थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ छोड़ देंगे। इसी तरह दूसरा साइड भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसका दोनों साइड अटैच हो गया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए ये देखिए हम उसमें लाइनिंग के कपड़ा अटैच किए हुए हैं और ये जो डीप थोड़ा सा गहराई दिए थे वो है, तो जिधर गहराई दिया हुआ है उधर ही फ्रंट पार्ट होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह स्लीव्स का और ब्लाउज का दोनों का शोल्डर का सेंटर मिलना चाहिए। तो ये देखिए सेंटर को मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के हटा देंगे। अब इसमें हम लाइनिंग के कपड़ा जोड़ेंगे जो 2 इंच का ले लेंगे और उसके बाद इसको डबल कर देंगे इस तरह और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। तो ये देखिए इसको एक बार और सीधा कर देंगे इस तरह और इसके बाद सिलाई लगा देंगे और फिर उल्टा साइड इसको मोड़ देंगे
और आप चाहे तो बाद में इसमें हेम भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलाई लगा के भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इसमें स्लीव्स अटैच हो गया है। अब हम आर्मोल के पास से जो सिलाई बची हुई थी वो सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह इसमें सिलाई कर दी और फिटिंग दोनों स्लीव्स जोड़ने के बाद करेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स को हम अटैच कर चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले पाइपिंग जो बची हुई थी नेक का उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में फिटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर जो गोल्डन कपड़ा का पाइपिंग बनाया थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और जिधर से डोरी है उस साइड से सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही सिलाई करते हुए पूरा साइड तक आ जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे, थोड़ा सा इस तरह डाल के फोल्ड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐसे घुमा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट हेम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह पूरा में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए पूरा में पाइपिंग लग गया है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग करने के लिए मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम स्लीव्स पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच ले लेंगे और आर्म होल 8 इंच, फिर से 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। तो जैसे जैसे मार्क किया हुआ है ठीक उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये 32 रेडी चाहिए, तो लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा है। आधा आधा इंच करके सिलाई लगाएंगे तो 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह फिटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आप काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों पार्ट को रख लेंगे और जिस साइड बराबर नहीं हो उस साइड सिलाई करके इसको बराबर कर देंगे। तो इस तरह दोनों साइड बराबर रहेगा तो फिटिंग भी अच्छे से बैठेगा। तो ये देखिए इस साइड भी 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए इस तरह ब्लाउज की स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो गई। तो आप सबको ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डिजाइन की वीडियो देखनी हो तो आप हमको बता सकते हैं कि कौन सी डिजाइन बनाओ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ डिजाइन की वीडियो शेयर करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ।